बात करेंगे राजधानी भोपाल की खबर के साथ। खबर कांग्रेस से जुड़ी है और रणनीति से जुड़ी है। उपचुनाव की रणनीति पर कांग्रेस में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। दरअसल जिन चार सीटों पर अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, उस पर फंसे पेंच को लेकर इस वक्त कांग्रेस के भीतर मंथन चल रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक चर्चा कर रहे हैं। जो चार सीटें हैं वो मुरैना, महगांव, बड़ा मलेरा और ब्यावरा हैं, जिन पर फिलहाल कांग्रेस के लिए पेंच फंसा है। तो कांग्रेस ने अपने ज्यादातर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये वो चार सीटें हैं जिस पर अभी भी कांग्रेस को लगता है कि कुछ पेंच फंसा है, जिसको लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। और कांग्रेस चाहती है कि पूरे मंथन के बाद जो निचोड़ निकला जाए वो इस तरह का निकाला जाए कि जो प्रत्याशी हम सामने लाएं वो निर्विरोध हो, उनका विरोध ना हो, ताकि पार्टी भीतरघात से खुद को बचा सके। और इसी को लेकर इस वक्त कांग्रेस के भीतर कवायद चल रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर बैठक चल रही है। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी इस बैठक में शामिल हैं। जो चार सीटें हैं जिस पर मंथन हो रहा है, मुरैना, महगांव, बड़ा मलेरा और ब्यावरा सीट हैं। कांग्रेस चाहती है कि इन पर ऐसे उम्मीदवार को सामने लाया जाए जिसका विरोध पार्टी के भीतर से भी ना हो। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं। वासु, दो बातें जानना चाहेंगे, एक तो ये कि वो दरअसल कौन सा पेंच है जिसको लेकर इतना गहन मंथन इस वक्त चल रहा है, और दूसरी बात ये कि क्या कुछ भीतर से छनकर खबरें बाहर आ रही हैं। बिल्कुल सोहेल, देखिए मध्यप्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जो तय करेंगे कि आने वाले समय में सत्ता किसके पास रहने वाली है। कांग्रेस हर कदम बहुत फूक फूक कर रख रही है, जैसा कि आपने कहा कि गहन मंथन किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके की भीतरघात हो। डैमेज कंट्रोल की पूरी कवायद जो है वो पहले से ही चल रही है। दिग्विजय सिंह को पर्टिकुलरली इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है, और आज कमलनाथ जी के आवास पे, जो शासकीय आवास है पीसीसी चीफ कमलनाथ का, एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें मुकुल वासनिक भी मौजूद हैं और जो तमाम प्रभारी हैं सीट के वो मौजूद हैं। इससे पहले पीसीसी कार्यालय में जो चारों सीटों के दावेदार थे उनसे कांग्रेस के जो आला नेता है उन्होंने चर्चा किया। आज खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ और मुकुल वासनिक कांग्रेस कार्यालय भी पहुंचे थे इससे पहले, जहां पर उन्होंने दावेदारों से मुलाकात की है। अगर चारों सीटों पर दावेदारों की बात की जाए तो बड़ा मलेरा से जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें निशा बुंदेला, तिलक सिंह, वीर सिंह परमार, दिलीप सिंह और अजय यादव का नाम है। वहीं मुरैना सीट से राकेश मावई, दिनेश गुर्जर और रिंकू माओली जो हैं वो दावेदारी कर रहे हैं। महगांव से चौधरी राकेश सिंह, हेमंत कटारे, ब्रजकिशोर शर्मा के जो नाम है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। और इसी तरह जो ब्यावरा से अगर बात की जाए तो पूर्व कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं चंद्र सिंह रामचंद्र दांगी, चंद्र सिंह सोंधिया, पुरुषोत्तम दांगी, तमाम जो वो नाम है जिनके नामों पर मंथन चल रहा है सोहेल, और इनमें से ही किसी एक का जो टिकट है वो कहीं ना कहीं फाइनल किया जाएगा। लेकिन किसी भी तरीके से पार्टी के अंदर विरोध के स्वर ना उभरे, इसलिए जो लंबा मंथन है वो कहीं ना कहीं अब जारी है। और जो आज की बैठकें होनी है इसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस की अंतिम सूची भी सामने आ जाएगी जिसमें चार नाम रहेंगे, क्योंकि 3 नवंबर को चुनाव होने हैं। आज से ठीक एक महीने बाद जो वोटिंग है वो तय है, घोषणा हो चुकी है। अब प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि पार्टी जल्द से जल्द टिकट फाइनल करे ताकि वो जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियों को कर सके। चलिए, और कुछ ही दिन बचे हैं जब लोगों को अपने नामांकन दाखिल करना है, ऐसे में जरूरी है कि उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जाए। दरअसल उसके बाद उम्मीदवार को जमीनी स्तर पर घूमना फिरना भी है, अपने लिए लोगों से वोट मांगना भी है, उन्हें तैयार करना भी है। वासु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर एक अहम बैठक चल रही है। प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी इस बैठक का हिस्सा हैं। गहन मंथन जारी है। चार सीटें अभी भी ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। मुरैना, महगांव, बड़ा मलेरा और ब्यावरा वो सीटें हैं। कांग्रेस चाहती है कि किसी ऐसे उम्मीदवार का नाम यहां से सामने लाया जाए जिसको लेकर बहुत स्पष्ट तौर पर पार्टी के भीतर हाँ हो, यानी किसी भी भीतरघात से बचा जा सके। क्या कुछ अपडेट रहेगा इस खबर से जुड़ा, लगातार आगे के बुलेटिन में आपको बताते रहेंगे।